बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या है यहाँ पे 7 अजूबे है ना, रेल गाड़ी चुक चुक चुक। कश्मीर से अकेले घूम रहा हूँ यहाँ पे, तो तबाही मचा दो, तबाही दिल्ली में। यहाँ पे मैराथन रेस चल रही है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे सभी लोग, उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो गाइस आज के व्लॉग में मैं आपको ले चलता हूँ दुनिया के 7 अजूबे दिखाने के लिए, वो भी खाली दिल्ली के अंदर। आप सब लोग सोच रहे होंगे वो कैसे, मैं आपको वहीं पे जाके बताता हूँ, ठीक है। तो आज के व्लॉग में ना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो भाई लोग फाइनली निकल चुका मैं आपको 7 अजूबे दिखाने के लिए। कल ना थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि पहली बार ऐसे अकेले था ना दिल्ली घूमना, लेकिन आज डर को मारो गोली। आप सुनो खाली मेरी बोली, गोली मीन्स बात, ठीक है। चले फिर जाते हैं, अभी मुझे जाना है मेट्रो स्टेशन, वहाँ से जाते हैं सीधा 7 अजूबे दिखाने के लिए। ट्रैफिक जाम रोज बिगाड़े मेरा सारा काम, कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे यार। गाने चल रहे, गाने, यहाँ पे शादी हो रही है किसी की। यहाँ पे ना हर तरफ से बैंक्वेट हॉल्स है ये देखो, ठीक है भाई। ये ब्लॉगिंग करनी नहीं हुई है ना, अपना गला खराब करना हुआ कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना, चिल्ला के बोलना पड़ रहा है मुझे। चलिए कोई नहीं, भी मुझे फटाफट से जाना है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, नहीं मेट्रो स्टेशन, ठीक है वहीं पे जाना है मुझे, हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। ओ भाई मेट्रो निकल गई, मेट्रो मिस हो गई मेट्रो। चलिए कोई नहीं, भी थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा, एक और आएगी। ये आ गई जी अपनी मेट्रो, मेट्रो मेट्रो। तो मित्रों फाइनली ये देखिए निज़ामुद्दीन द रेलवे स्टेशन, और यहाँ से क्या वर्क चल रहा है भाई, ये ना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, पता नहीं क्या है ये, कहाँ है बाबा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा होगा कुछ मुझे कौन सा प्रोजेक्ट दिखाना है। लेकिन अगर आप कमिट करोगे तो ज़रूर मैं प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा दिल्ली का, अगर मैं जा पाया वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ये सब तो नहीं होता ना, तो वैसे गाड़ियों में तो थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है अगर कैब ये सब करें तो। आप कमेंट करके बोल देना, मैं कोशिश करता हूँ। ओके भाई लोग, यहाँ से ना मैंने मैप किया, यहाँ से 400 मीटर मेरे को चल के जाना है जिसमें 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। मुझे जाना है वेस्ट ऑफ वंडर। तो भाई लोग मैंने ना यहाँ पे कंफर्म कर लिया, ये ना यहाँ पे मेट्रो का ब्रिज बन रहा है, यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है हर तरफ से। ये देखो भाई यहाँ से गाड़ियाँ जाती है गाजियाबाद के लिए, गाजियाबाद। हाँ जब यहाँ पे वो G20 की मीटिंग होने वाली थी ना, यहाँ पे ना बहुत ही डेवलप किया गया उस टाइम पे, ठीक है, जिसको बोला जा रहा था उस टाइम पे ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली। तो भाई लोग फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे मुझे जाना था, जहाँ पे दुनिया के 7 अजूबे है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को मैप से आना पड़ा यहाँ तक, चले फिर वहीं पे जाके दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई लोग दिल्ली में ना हर तरफ से ऐसे G20 के लगाए गए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये देखो दिल्ली वेलकम डेलीगेट्स हर तरफ से लगाए गए। तो भाई लोग फाइनली पहुंचा मैं जहां मुझे पहुंचना था, वेस्ट ऑफ वंडर। ये देखो भाई लोग, आज मुझे पहली बार यहां पे आना है, तो पहले जाते हैं टिकट निकालने के लिए, ठीक है। आज ना मुझे पहली बारी यहां पे आना है, जिसको नहीं पता है ना इसके बारे में वो वीडियो देखे, और जिसको पता है इसके बारे में वो तो ज़्यादा ही देखे, क्योंकि वीडियो देखने से क्या होगा। ये देखो यहाँ पे टिकट प्राइसिंग का, प्राइस क्या है टिकट की, 50 रुपीज़ मेरे को देना पड़ेगा, संडे के दिन थोड़ा सा महंगा ही होता है यहाँ पे। तो भाई जान ये देखो भाई, पार्क के बीच में से यहाँ से प्रोजेक्ट चल रहा है भाई, दिल्ली से मेरठ शायद कुछ रेल बन रही है यहाँ से, ये तो पता नहीं है। बाकी अभी मैं आया आपको क्या दिखाने के लिए, क्या था नाम इस जगह का यार, भूल ही गया, वेस्ट ऑफ वंडर्स। भीड़ चुको, भीड़ है क्या यहाँ पे भाई, बहुत टाइम से मेरे को लगता है 4-5 साल से मैं ये पार्क बार बार से देख रहा हूँ, आज ना मैं पहली बार यहाँ पे आया। ओके, ये यहाँ पे भीड़ है क्योंकि यहाँ पे फूड के आइटम्स मिल रहे हैं, ठीक है, फूड कोर्ट है यहाँ पे। देखो ट्रेन में भेज रहे, पुरानी ट्रेन नहीं है ये, बनाया गया है ऐसा। चले आप जाते हैं अंदर पार्क की ओर, दिखाते हैं आपको 7 अजूबे। और यहाँ पे देखो फाउंटेन यहाँ पे। चले आप जाते हैं सीधे, और यहाँ पे देखो MCD, इसका क्या मतलब है, MCD है पता नहीं भाई। चले हम फिलहाल जाते हैं आगे की तरफ, अकेले जा रहे हैं अकेले, ठीक है। अभी मेरे को एक अजूबा दिखाई दिया, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ। जानते हो ये क्या है, पैरामिड ऑफ गीज़ा ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिटेल्स, ठीक है। ये जो सब कुछ यहाँ पे, चाहे वो
मटेरियल ना, यूज मटेरियल जो वेस्ट होता है, पाइप्स हो और क्या होता है स्क्रैप, ये सब होना उसी का बनाया गया है यहाँ पे। ये देखो सही है ना भाई, है अजूबा के नहीं, पूरा यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी अजूबे है ना, जो भी बनाया गया यहाँ पे, ये ना सारा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, ठीक है। तो इससे एक सीख मिलती है हमको, तो खराब चीज़ों का इस्तेमाल फेंकने में ना करें, उसको कुछ क्रिएटिव बनाए, है कि नहीं भाई। बाकी का तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी अच्छी खासी है, तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है, ये है ओरिजिनल स्ट्रक्चर, पढ़ना होगा पॉज करके पढ़ लेना। और ये देखिए जो यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे कितनी हाइट है, क्या सर्कुलर डिया, ये सब सब कुछ है, 10 फीट का ही है। और यहाँ पे देखो किसे ये बनाया गया, ठीक है, केबल वायर रिंग्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स ट्रक मटेरियल बेल मेड पता नहीं क्या क्या शीट्स क्लच पलर से बनाए गए यहाँ पे, जो कि था 8 to 9 tons का स्क्रैप था यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्लच प्लेट हुआ जो कि ये वाला बनाया गया है, टायर रिम, पाइप्स एंड गियर सब कुछ है यहाँ पे डिटेल। ये देखो टावर ऑफ पीसा, जिसने नहीं देखा होगा ना आज यहाँ पे आके देखिए, ठीक है। तो पूरा वो दुनिया घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से आके ऐसे ऐसे जी मेरी तरह ऐसे गोल गोल घूमिए तो सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो भाई टावर ऑफ पीसा क्लच प्लेट, पता नहीं किस किस चीज़ों से ये बना है। चलो भाई लोग अब जाते हैं और आगे की तरफ, आगे भी देखते हैं और क्या है, ठीक है, कौन सा अजूबा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे द एल्फल टावर ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिटेल यहाँ पे, ठीक है, जो कि पेरिस फ्रांस में है। मैं तो कभी वहाँ पे नहीं गया हूँ, आज मैं आपको यहीं पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या क्या लगाया गया है, ट्रक पेट्रोल टैंक में से ये बनाया गया है, पता नहीं किन किन चीज़ों से बनाया गया है, जिसमें 14 to 50 tons का स्क्रैप लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, जिसको पढ़ना होगा पॉज करके पढ़ लेना। देखो एल्फिल टावर, एल्फिल टावर, ओ भाई इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है, और जो रियल वाला होगा उसका तो पता ही नहीं है ब्रो। ये देखो किन किन चीज़ों से ये बनाया गया है। तो भाई मैं ना यहाँ पे फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, लेकिन कोई है नहीं ना साथ में जो फ़ोटो खींचे, सब लोग किसी ना किसी के साथ तो यहाँ पे आई है, चाहे वो फैमिली हो कुछ भी हो। अब मैं अकेला हूँ, देखता हूँ अगर कोई लड़का मिला तो उसको बोल दूँगा यार फ़ोटो खींचने के लिए, वरना नहीं उठा सकता फ़ोटो। थंबनेल के साथ ना ऐसे फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा मुझे। ये देखो भाई लोग पूरा व्यू एल्फिल टावर का, वो कि मैंने आपको घर पे ही बताया था, आज मैं आपको दिल्ली में 7 अजूबे दिखाऊंगा। तो ये देखिए 7 अजूबे यहाँ पे, चलिए अभी जाते हैं और आगे की तरफ। मैंने पता नहीं कितने अजूबे देख लिए, मेरे को याद ही नहीं है भाई, चलिए और देखते हैं आगे की तरफ और क्या क्या है। ये देखो अभी हमको जंगलों से जाना है, ये जंगल है यहाँ से जंगल, ठीक है, यहाँ से बब्बर शेर घूमते हैं जो कि मैं हूँ। लोग ये देखिए कोलोसियम ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिटेल्स, हाँ, और ये देखिए इसमें कितना ये लगा हुआ है, हाइट देखो 16 फीट की हाइट है इसमें। और मटेरियल देखो क्या क्या लगा हुआ है इसमें, इसमें टायर रिम्स लगे हुए हैं, ऑटो पार्ट्स लगे हुए हैं, कार पार्ट्स लगे हुए हैं, गियर्स लगे हुए हैं, मेटल शीट्स लगे हुए हैं। तो ये देखो पॉज करके कोलोसियम, हाँ ये देखो भाई कोलोसियम, कोलोसियम ये कहाँ है बाबा, कहाँ है ये कोलोसियम है, हाँ, लेकिन ये क्या है ये पता नहीं क्या है। ये देखो सही है ना, ये देखो कैसा स्ट्रक्चर दिया गया है इसका, ये तो मस्त है भाई, उसका दिमाग देख लो इसने बनाया यहाँ पे, ये तो मस्त है भाई। वेस्ट मटेरियल को इन सब चीज़ों में काम लाना बहुत बड़ी बात है भाई। और बहनों ये देखिए ये रहा यहाँ पे ताजमहल, जो नहीं गया होगा ना वो यहीं पे देख ले, ठीक है, ये उसके बारे में डिटेल्स। और ये है जो कि बनाया गया यहाँ पे, ठीक है, 37 फीट है ये। और मटेरियल देखो क्या किससे बनाया गया है, ट्रक से, कार्डबोर्ड शीट से, नट्स एंड बोल्ट से, कोई सोच मतलब किसी ने सोची ना होगी उन उन चीज़ों से यहाँ पे बनाया गया है। तो पॉज करके पढ़ लेना यहाँ पे, जो भी होगा वो देख लो यहाँ पे, ठीक है। ताजमहल तो मैं गया हूँ लेकिन उसका कभी व्लॉग नहीं चढ़ा है, अभी वहाँ पे जा नहीं सकता, यहीं से देख लो आप, ठीक है। इसका पिलर देखो किससे बनाया है, नट्स एंड बोल्ट से, कौन सोचेगा भाई नट्स एंड बोल्ट से बनेगा। जाली देखो किससे, जाली वर्क, कल्ट वर्क, पता नहीं कट वर्क, साइकिल टायर रिम से बनाया गया। और बीच का जो पिलर है दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ पे जाके, वहाँ पे जा ही नहीं सकते भाई, प्रॉब्लम दूसरी हो गई ना। चलिए यहीं से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये जो पिलर है ना, इसको जो ये है ना क्या बोलते हैं इसको, पिलर ही है ना ये, साइकिल रिम है ना उससे बनाया गया है। और नट्स एंड बोल्ट से देखो बीच में से अगर आपको दिख रहा होगा, उतना जूम तो नहीं होगा, दूर से देख लो आप। ताजमहल, ताजमहल के बारे में तो आपको पता ही होगा, पे हमारे भाई मिल चुके हैं जो कि यहाँ पे
क्या है आप क्या हो? यूट्यूबर हो मेरी तरह यूट्यूबर हो हरदीप सिंह का दिल्ली से ही हो ना? सही है भाई, मैंने दूर से देखा भाई ट्राइपॉड लेके खड़ा है यहाँ पे भाई अपने भाई हो यूट्यूबर भाई, ऐसे अकेले घूमा अकेले, ठीक है किसी पे वो नहीं करना है, अकेले करना है जो भी करना है कि नहीं? मैं कश्मीर से अकेले घूम रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होगी, आप तो दिल्ली के ही हो भाई, तबाही मचा दो तबाही दिल्ली में। रेलगाड़ी छिक छिक छिक, रेलगाड़ी छिक छिक छिक, पैसे लेते कि फ्री में? ये किससे बनाया गया? ये भी वेस्ट मटेरियल ही है? ये वेस्ट मटेरियल है? नहीं वेस्ट मटेरियल नहीं है, नहीं है ना, लगता पूरा पक्का नहीं मेरे को पता भाई, इसमें मजा आएगा है ना हमको, इसमें बोलना है रेलगाड़ी छिक 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 छिक। और चैनल का क्या नाम है? दीप डेली व्लॉग्स। दीप डेली व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, डेली करते हो? नहीं नहीं ऐसे नाम रख रखा है, नाम रख रखा है। अच्छा आगे जाके करोगे? हाँ जी, थोड़ा सा ग्रो होगा उसके बाद करोगे? चलो बाद में करूंगा। बाद में करोगे, सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को। चलो घूमो घूमो, ऐश मारो। ताजमहल देखा है कभी? नहीं कभी। एफिल टावर देखा है कभी? कभी नहीं देखा। वो देखा है, सात अजूबे देखे? फिर क्या देखा है आपने भाई? मैंने देख रखा है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं यहीं पर आके देख रहा हूं। ये पे देख रहे हो भाई, मैंने सब कुछ देख रखा है, ठीक है, रियल में देख रखा है, वो भी दिल्ली में। ये रहा सामने भाई लोग, ये देखो यहाँ पे रियो रिडीमर, ठीक है, ये देखो, जिसको पढ़ना होगा पॉज करके पढ़ लेना। और यहाँ पे देखो 25 फीट का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पाइप से बनाया गया, ऑटोमोबाइल स्क्रैप से, पता नहीं क्या क्या किन किन चीज़ों से यहाँ पे बनाया गया, जो कि दिल्ली में, ब्राज़ील कहाँ पे है असली, ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिटेल जो कि ब्राज़ील में है। भाई मैं तो ब्राज़ील भी पहुँच गया भाई, ब्राज़ील पहुँच गया। क्यों पाजी गल बन गई ब्राज़ील पहुँच गया ब्राज़ील। आपके साथ मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम परू है, अच्छा ठीक है, मेरे साथ ही घूमता है कश्मीर में, वो पाजी यहाँ पे, ये पाजी। चलो भाई आ जाओ भाई, सपोर्ट कर लेना भाई को। एक और बाल चैनल का नाम बता दो, दीप डेली व्लॉग्स। दीप डेली व्लॉग्स, ठीक है, इनका भी मेरी तरह व्लॉगिंग के बगैर कोई काम नहीं है, यही काम है इनका, तो इनको भी जाके सपोर्ट कीजिए, करना चाहिए सपोर्ट यार, दो दिन की लाइफ है, सपोर्ट ही करोगे फिर क्या करोगे, है कि नहीं? मेरे टाइम ना मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। क्यों पाजी गल बन गई? पाजी ये क्या है यहाँ पे? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं नहीं पाजी, सही है भाई, सही है। ये देखो न्यूयॉर्क सिटी में, हाँ ये देखो इसके बारे में डिटेल्स है, और ये देखो इसकी हाइट कितनी है, 32 फीट, पता नहीं क्या 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 क्या, किससे बनाया गया है? रिक्शा यूज्ड बाय स्ट्रीट हॉकर्स, हाँ, स्लाइड फ्रॉम चिल्ड्रंस पार्क, जो ये क्या है, हियर साइकिल चेन्स, हाँ भाई किसी ने सोची ना होगी उन चीज़ों से यहाँ पे बनाया गया है कि नहीं पाजी? आप बना सकते हो? नहीं पाजी। अरे यार ट्राई तो कर लो, कर लो ना यार, क्या जाता है ट्राई करने में? देखो रिक्शा पार्ट्स लगाए गए यहाँ पे, ये टायर रिम, साइकिल चेन्स, पता नहीं क्या क्या भाई, ये देखो। और यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स भी ना बहुत सारे आते हैं यहाँ पे ये देखने के लिए, क्योंकि उनकी भी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी ना ये देखने से, है ना, वो भी सोचने लगेगा हम भी घर जाके कुछ उठाएंगे मटेरियल, उसका कुछ बनाएंगे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए, क्या है यहाँ पे, सात अजूबे, है ना। अब आपको यहाँ पे वो क्रिएटिविटी जाननी होगी, थी ना, इसलिए यहाँ पे आए ना, क्या क्या बनाया जाता है वेस्ट मटेरियल से? आप या घर जाके क्या बनाओगे? घर जाके क्या बनाएंगे? हाँ वेस्ट मटेरियल किस में यूज करोगे आप, फेंकोगे? चलो यहाँ से तो हम निकले वापस, सात अजूबे देख लिया हमने। हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी सर। मेरे को याद ही नहीं था कहाँ से आया मैं, कहाँ से, मैंने एक पूरी दुनिया घूम ली, मैंने यहाँ पे सात अजूबे देख लिया मैंने, सही है ना भाई, मौज कर लिया आज हमने, गल बन गई गल। पुरु भाई क्या बोलते है कंपनी, पाजी है अपने, पाजी साढ़े पाजी है। चलो भाई और क्या है, ये तो देख, ताजमहल आ गए, आगरा पहुंच गए, 2 मिनट की दूरी पे यहाँ पे आगरा आ गया ताजमहल। गाइस ये देखिए यहाँ पे मैराथन रेस चल रही है, ओ भाई, और किसने जीता? किसी ने नहीं है भाई लोग, ये देखिए ये कहाँ पे, ये कौन सा है, क्या है, कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है, या कश्मीरी इन फ्रांस, कश्मीरी इन फ्रांस, कश्मीरी इन पेरिस, तो चला गया ना वहाँ पे, है कि नहीं? अगर आपको खाली ये देख लेना तो ये बाहर से भी दिखेगा आपको, हमको बाहर से दिखा था ये ऊपर वाला सीन इसका, ठीक है, क्या बोलते इसको, एल्फा एल्फा क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, एल्फेल टावर, एल्फेल टावर, एल्फेल टावर, या आई नो इंग्लिश वेरी वेल, यू नो आई डोंट नो पाजी यार, हम ना वहाँ पे नहीं जा पाए, फ्रांस या पेरिस नहीं जा पाए ना, अपना चेतक निकालो इसी पे जाते, चलो निकालो, चलो चलो पाजी चलो, ओहो गल बन गई, चलो भाई निकालो, पेट्रोल कितने का लगेगा? मुझे लगता है 100-150 का तो होगा वहाँ पेरिस तक। चलो भाई चलो, कि ट्रेन में जाएं, ट्रेन में मजा नहीं है, चेतक में मजा आएगा। यार प्रॉब्लम एक हो गई यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, अगर हमको पेरिस जाने के टाइम अंधेरा हो गया ना बीच में, तो यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है,
मोमबत्ती कैंडल एक ले, अरे नहीं कैंडल एक साथ में लेंगे, वो ही जलाएंगे रास्ते में। चल भी रे डुबकी मारते डुबकी। चलो भाई गर्मी होगी गर्मी। यहाँ पे ना एक बंदा था दिल्ली में, बोला भाई जैकेट लगा दो बहुत ज्यादा ठंड है। फिर जब मैं बाहर निकला ना तो मैं सोचा भाई इतनी गर्मी तो हमारे यहाँ समर्स में होती है, है ना, तो मेरे को कहा ठंड लगेगी, आपको लग रही है? नहीं भाई आज ठंड नहीं है, मौसम ठीक है भाई। तू तो अपना भाई है, तेरे को ठंड नहीं लगेगी, ये शेर है शेर। मित्रों ये देखो यहाँ पे ना इंडियाज फर्स्ट वेस्ट ऑफ अ डायनासोर पार्क विद मूवमेंट एंड इमोशंस यहाँ पे बनने वाला है, कमिंग सोन, ओपनिंग सोन। हाँ तो भाई लोग ये तो था यहाँ दिल्ली में सात अजूबे, ठीक है, और सस्ती प्राइस है यहाँ पे 50-25 पता नहीं क्या क्या रेट है, बिल्कुल सस्ती प्राइस में आप यहाँ पे आ सकते हो और पूरी दुनिया के सात अजूबे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी ये सब भी है हर तरफ से। ये देखो पार्किंग की रेट तो मुझे नहीं पता, फिलहाल आपको वहाँ की बताई मैंने, यहाँ का नहीं पता। और ये क्या बन रहा है वहाँ से, डायनासोर बन रहा है, पर डायनासोर है वहाँ पे, देखा आपने? कहाँ पे? नहीं देखा आपने? नहीं देखा। मैंने देखा मेरी नज़रों से, देखो आ जाओ यहाँ से दिखाता हूँ वहाँ पे डायनासोर। हाँ पर ध्यान रखना कहीं यहाँ पे ना आ जाए भाई लोग। अगर आपको मेरी तरह ट्रांसपोर्ट नहीं है ना दिल्ली में, तो आप मेरी तरह आ सकते हो बिल्कुल ईजी एंड चीपेस्ट वे में, ठीक है। हज़रत निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आपको 500 मीटर या 400 मीटर चल के आना पड़ेगा जहाँ पे ये पार्क है। तो ये पार्क तो दिखाई मैंने आपको, सात अजूबे दिखाए मैंने आपको, आप जाते हैं वापस। क्योंकि मैं ना सुबह 11 बजे घर से निकला हूँ, मैं सोच रहा था 2-3 बजे तक वापस आ जाऊँगा, लेकिन पता है नहीं यार आते समय मेरे को 3 बज गए हैं अभी, पता नहीं 5-6 तो होंगे होंगे, 5-6 नहीं होंगे 4-5 होंगे। अब जाते हैं वापस घर क्योंकि 2-3 घंटे मुझे लग रहा है लगेंगे घर तक, ठीक है। तो भाई लोग फाइनली पहुंचा मैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, अब जाते घर, आप घर में मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर। आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया वेस्ट ऑफ वंडर्स, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ गाइस पूरा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की ना बहुत ही ज़्यादा नीड है। मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, ओ तू मेरा।